यादव, वहीं अमरोहा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई है। मतदान के दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच नोकझोंक हुई है। बड़ी खबर है अमरोहा से, जहां पर सपा प्रत्याशी और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई है। हसनपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मुखिया गुर्जर। हसनपुर में सपा के प्रत्याशी मुखिया गुर्जर और पुलिस के बीच बहस हुई है, और ये देखिए तस्वीरें हैं उसकी। सपा प्रत्याशी और पुलिस के बीच पहले बहस हुई है और उसके बाद बहस धीरे धीरे कर नोकझोंक तक बढ़ गई। प्रवजीत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमरोहा से, हमारे संवाददाता इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवजीत, बहस क्यों हुई, आखिर नोकझोंक की नौबत क्यों आई? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला अमरोहा जनपद की हसनपुर विधानसभा का है, जहां पर सपा प्रत्याशी है मुखिया गुर्जर, जो कि वहां पर जो है वहां पर जो पार्टी पोलिंग हो रही थी, वहां पे काफी धीमी पोलिंग हो रही थी, उसके लेकर के वहां पर वो पहुंचे थे, जहां पर देखते ही देखते पुलिस की वहां पर नोकझोंक हो जाती है। फिलहाल जो पूरे मामले में जो पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया है। वहीं सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर से बड़ी नोकझोंक हुई है। अगर देखने वाली बात यही है कि अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। जी नहीं प्रवजीत, अगर वोटिंग स्लो हो रही थी तो उसके पीछे वजह क्या रही? क्या काम जानबूझकर स्लो वोटिंग करवाया जा रहा था, ये आरोप सपा प्रत्याशी ने लगाया? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला हसनपुर विधानसभा का है, जहां पर सपा प्रत्याशी मुखिया गुर्जर है, उनका आरोप है कि जो वोटिंग है वो काफी धीमी चल रही थी यहाँ पर, वह अंदर जाना चाहते थे, अंदर जाने को लेकर पुलिस से नोकझोंक हो गई। वहीं पर जो पुलिस है उन्होंने उनको अंदर नहीं जाना दिया, जिसके बाद जो है वहां पर काफी नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बाद जो पुलिस है मौके पर पहुंची, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात हो गया था, और उसके बाद वहां पर सीओ हसनपुर भी वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद वहां पर जो समझा बुझा करके मामला शांत करा दिया गया है। फिलहाल जो पोलिंग है वो शुरू करा दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवजीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। टीम इंडिया के स्पीड स्टार मोहम्मद शमी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, अपने बड़े भाई के साथ वो पोलिंग बूथ में पहुंचे और अमरोहा के अलीपुर गांव में वोटिंग की। इस दौरान उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। मतदान एक हक है और सबका ही हक है, मेरे हिसाब से सबको अपना अपना मतदान करना चाहिए, जितने भी नंबर्स में ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका हक है, आपकी सरकार बनाने का यही टाइम एक होता है। नहीं, किन मुद्दों के साथ वोट किया है? देखिए मुद्दा कोई नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि वोट है यार, आपके वोट की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, आप किसको पसंद करते हैं किसको नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक वोट को वोट के तरीके से आपने अपने हिसाब से वोट किया। क्या अपील करना चाहिए? क्या अपील करना चाहेंगे जनता से वोट के लिए? बेटा जनता से एक ही अपील है, जैसे पहले भी कर चुका हूँ मैं अपील कर रहा हूँ, 18 साल से ऊपर हैं आपके जो वोट बने हुए हैं, तो आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और अपने पसंदीदा जो अपने आपके जो प्रत्याशी होते हैं उनको आप जिताएँ, आप जिताने में मदद करें ताकि आपकी सरकार बन सके। अमरोहा के मूल निवासी हैं आप, क्या बेहतर और चाहते हैं कि और क्या होना चाहिए जो स्टेडियम हमारे यहाँ युवाओं के लिए, और क्या कहना चाहेंगे क्या होना चाहिए? देखिए मैं हमेशा से चाहता आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, जैसे स्पेशली जब मेरे गांव की बात आती है तो यहाँ पर लाइट, एजुकेशन और हेल्थ का प्रॉब्लम पहले से ही है। मैं काफ़ी बार बोल भी चुका हूँ लेकिन सेम अभी स्टिल सेम है, मच बेटर हुआ है, मतलब बेटर हुआ है रोड्स के तरीके, अगर आप देखते हैं तो बेटर हुए कि रोड्स और कोई फैसिलिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा यहाँ पर डेवलप नहीं हुई। वहीं सहारनपुर में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। गंगो विधानसभा के ननोता में पोलिंग बूथ के बाहर बड़ी संख्या में लाइन लगी है। कई मुस्लिम महिलाएं पहली बार वोट देने के लिए पहुंची, इस दौरान हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत भी की। इस वक्त मैं सहारनपुर के गंगो विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर ननोता इलाका है, कस्बा है, जहाँ पर फिलहाल वोटिंग जारी है। और मैं बात करूंगा जो ये वोटर्स मेरे साथ हैं, जो पहली बार वोट जिन्होंने वोट किया है, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह का आपका, आपने पहली बार वोट किया आज? जी। तो किस तरह का आपका हो रहा है, कि अनुभव कैसा रहा है, कैसा लगा आपको आज? कुछ नहीं, नॉर्मल था, नॉर्मल बस एक्साइटेड थी हाँ मैं वोट देने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह का माहौल है और आप क्या सोचती हैं, क्या सोच के वोट करने आएंगे? काफ़ी अच्छा है,
लेकिन फिर भी थोड़ा देखते हुए लड़कों के हिसाब से तो ऐसे वैसे होता ही रहता है दंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होता, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और तो क्या सोच के चली थी आज घर से, आपकी वोट करने जाएंगी, कुछ दिमाग में रही थी कोई बात? बस घर से तो ये सोच के यही चलते हैं कि जिसको वोट डालें वो अच्छा सा हो, उनका कामयाबी हो और बस सही हो। मुस्लिम महिलाएं थीं, वो लड़कियां थीं जिन्होंने पहली बार या दूसरी बार वोट किया है, और उनका कहना यही है कि जो विधायक बने या सरकार बने वो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर और भेदभाव वाली सरकार ना हो, भेदभाव ना करे, जनता के लिए एक समान हो, तो इस तरह के मुद्दे उनके रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर उन्होंने आज वोट किया है। सहारनपुर से नरेश गोयल के साथ विनीत शर्मा। इस वक्त में सहारनपुर, तो सहारनपुर में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों से सुबह से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई पोलिंग सेंटर्स के बाहर अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 4 बज चुके हैं, 2 घंटे का वक्त बाकी है, 6 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तब से ही कई बूथों पर तो सुबह 7 बजे से पहले ही लंबी कतारें लग चुकी थी। लोग सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहते थे। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 51.93% यानी तकरीबन 52% वोटिंग हुई है। ये आंकड़े आपको हम दोपहर के 3 बजे तक का बता रहे हैं। 51.93% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है। जिलों की बात करें तो अमरोहा में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है, बरेली में 49.84% यानी तकरीबन 50% वोटिंग हुई है। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में तकरीबन 52% 51.81% 51.81% वोटिंग बिजनौर में हुई है। बदायूं में दोपहर 3 बजे तक 47.69% वोट डाले गए हैं। मुरादाबाद में दोपहर 3 बजे तक 55.62% वोट डाले गए हैं। रामपुर की बात करें तो रामपुर में 52.63% वोटिंग हुई है। सहारनपुर में 3 बजे तक 56.56% वोट डाले गए। संभल में 49.11% वोटिंग हुई है। शाहजहांपुर में दोपहर 3 बजे तक 46.78% वोट डाले गए हैं, यानी कि 3 बजे तक का अगर आप आंकड़ा देखें तो ऑन एन एवरेज 50% से ऊपर वोटिंग हुई है। 51.93% यानी तकरीबन 52% वोटिंग दोपहर 3 बजे तक हुई है। और हम आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब फाइनल आंकड़े आएंगे ये तकरीबन 60% के ऊपर होंगे। तो उत्तर प्रदेश के 55 विधानसभा सीट जहां पर आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है, उन जिलों के आंकड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि दोपहर 3 बजे तक कहां कितनी वोटिंग हुई है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आखिर के 3 घंटे में जो मत प्रतिशत है वो बढ़ेगा, वोटिंग बढ़ेगी, आखिर के 1-2 घंटे में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले बार जो 60-61% के करीब पहले चरण में वोटिंग हुई थी, इस बार भी ये आंकड़ा 60 से ऊपर जाना चाहिए, 64-65 के करीब होना चाहिए। इसके साथ साथ अभी जो स्थिति 3 बजे तक की नज़र आ रही है कि लोग अपने घरों से निकले हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोपहर के बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे। 6 बजे तक का वक्त है, 4 बज चुके हैं और आखिरी जो आंकड़ा आएगा वो 7-7:30 बजे करीब आता है। और इस वक्त मेरे साथ दीपक दीक्षित शाहजहांपुर से और अयाज बरेली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर अपडेट के लिए। अयाज, सबसे पहले बरेली में क्या स्टेटस है वोटिंग का? बरेली की बात करें, बरेली में 51% वोटिंग इस टाइम 3 बजे तक हो चुकी है, अब थोड़ा धीमा हुआ है और 9 की 9 विधानसभाओं पे वोटिंग तेजी से हो रही है। और जिलों के मुताबिक अगर देखें, बात करें तो यहाँ वोटिंग तेजी से हो रही है, खास करके महिलाओं में उत्साह ज्यादा देखने को मिला है इस बार वोटिंग का। महिलाएं ने ज्यादा लाइन लगा करके वोटिंग की है पुरुष के मुकाबले। मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पिंक बूथ पर, आप देख सकते हैं मेरी तरफ से कुछ देर पहले यहाँ इतनी भीड़ थी महिलाओं को खास करके, आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ आ रही हैं वोटिंग के लिए। और दूसरी बात ये है, अहम पुरुष के मुकाबले महिलाएं ज्यादा रही हैं और यहाँ
भरे हुए पोलिंग सुबह से लेकर अब चल रहे थे, अब कुछ धीमा हुआ है और 4 बजने वाले हैं लगभग, तो कहीं ना कहीं तेजी से वोटिंग हो रही है, उत्साह है लोगों में और मुद्दों को लेकर के। सबसे अहम बात यह है कि इस बार मुद्दों को लेकर के वोटिंग होगी, ना कि किसी हिंदू मुस्लिम या और किसी के बात पे वोटिंग होगी। मुद्दा विकास हो गए, रोजगार हो गए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के लोग, युवाओं से हमारी बात हुई थी, खास करके युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं है, रोजगार मिलेगा हमें तब उसी के आधार पे हम वोटिंग करेंगे और वोट करने जाएंगे। तो उत्साह काफी लोगों में देखने को मिला है, फिलहाल तो तेजी से वोटिंग हो रही है, 51% से अधिक वोटिंग हो चुकी है और हर बूथ पे भीड़ देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल अब थोड़ा हल्का हुआ है, तो कहीं ना कहीं धीमी है वोटिंग, लेकिन अब लोग आ रहे हैं, तेजी से बढ़ती जा रही है। खास करके अहम बात तो ये रही बरेली में इस बार कि महिलाओं में उत्साह खास करके देखने को मिला, तो ज्यादा वोटिंग का लगता है कि महिलाओं की वजह से इस बार ज्यादा वोटिंग होने जा रही है। हर बार 61% वोटिंग होती थी, 70% के करीब इस बार वोटिंग होने जा रही है बरेली में। जी चलिए अयाज, आप मेरे साथ बनी रहिएगा, आगे भी आपके पास आएंगे। तकरीबन 61% के करीब वोटिंग अब तक रिपोर्ट की गई है बरेली में। शाहजहांपुर से दीपक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, शाहजहांपुर में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, क्या हम उम्मीद करें कि 2017 में जो वोटिंग प्रतिशत थी उससे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत दर्ज की जाएगी इस बार 2022 में? शाहजहांपुर में अगर बात की जाए तो शाहजहांपुर में 2017 में लगभग 57% वोट यहां पर पड़े थे। अभी अगर अभी का आगे अभी 3 बजे की बात करें तो लगभग 47% वोटिंग यहां पर हो गई है। अब देखना होगा कि जो 6 बजे तक का टाइम है तो 3 घंटे अभी समय, 3 घंटे का समय है अभी, तो कहीं ना कहीं 3 घंटों का अगर हम आंकड़ा निकालें तो लगभग 60% के ऊपर इस बार वोटिंग यहां पर हो जाएगी। देखिए, शहर की विधानसभा की बात की जाए तो यहां से सुरेश खन्ना जो एक कद्दावर मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उसके बाद कद्दावर नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी में आते हैं और उनकी उनकी साख यहाँ पर दांव पर लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तनवीर खान को जब टिकट यहाँ से मिला है तो सीधी टक्कर दोनों में, दोनों नेताओं के बीच है। देखना होगा कि 10 मार्च को नतीजे आने के बाद किसके सर पर ताज रहेगा, ये देखना होगा। अब वहीं अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तिलैर विधानसभा से जो पहले बीजेपी के विधायक हुआ करते थे रोशनलाल, अब वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, तो वहां पर सलोना कुशवाहा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, तो वहां की भी सीट की बात करें तो लगभग शाहजहांपुर में 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं दोनों में ही वोट पड़ रहा है। अगर बसपा की बात करें तो बसपा के जो प्रत्याशी है वो सिर्फ वोट काटने के लिए साबित होंगे, कोई बात खास कर की जाए तो कोई वो बहुत ज्यादा वो नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला बीएसपी या कांग्रेस का, लेकिन देखा ये जा रहा है जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी का कड़ा मुकाबला होना है, तो इसके नतीजे जब 10 मार्च को आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ प्रत्याशियों के चेहरे खिले होंगे तो कुछ के वायुस भी नजर आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन आज शाहजहांपुर के जो मुद्दे हैं, लोगों की अलग अलग राय है, जो लोग वोट करने जा रहे हैं वो विकास के लिए वोट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग रोजगार की बात करते हैं, कुछ लोग मकान की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी बात प्रकार की बात हो, लोग अपना अपना मत का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में एक बड़ी उम्मीदें हैं कि आने वाली सरकार उनके लिए क्या लेके आएगी, क्योंकि चिंता इस बात की होती है कि जब वोटर वोट देता है तो अपने नेता से, अपनी सरकार से बड़ी उम्मीदें होती हैं, क्या वो वास्तविक सरकार या नेता उनका साथ दे पाएगा, ये देखना होगा। लेकिन 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर साबित हुआ कि आखिर बिल्कुल दीपक, यहाँ पर अगर हम 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो कई जो नामचीन शख्सियत हैं उनकी तो साख दांव पर लगी ही है, कई सियासी दल हैं उनके राजनीतिक भविष्य को भी ये चुनावी परिणाम तय करेंगे। मसलन AIMIM का उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य होगा, आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य होगा, बसपा का क्या होगा, क्योंकि 2012 में जो सत्ता से बाहर हुई है अभी तक वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है, अगर इस बार भी बसपा कोई कमाल नहीं कर पाती है, किंग नहीं किंग मेकर भी नहीं बनती है, तो आने वाला जो वक्त उनका है सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल हो सकता है। फहीम इस वक्त मेरे साथ रामपुर से जुड़ चुके हैं। फहीम, रामपुर पर तो पूरे देश की आज नजर है, बड़ा हॉट सीट है रामपुर, क्या स्टेटस है अभी 3 बजे तक का, 4:45 हो रहे हैं रामपुर का? जी देखिए धर्मराज, बिल्कुल बात सही है कि आज जो है वो पूरे प्रदेश की नजरें रामपुर के ऊपर टिकी है, वो इसलिए भी कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान
समाजवादी पार्टी के नेता तो है ही, साथ ही सबसे बड़ी चर्चा इस वजह से भी है क्योंकि वो सीतापुर जेल में 2 साल से हैं और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम इस चुनाव की पूरी कमान संभाले हुए है। रामपुर के अंदर 53% के लगभग जो है 3 बजे तक वोटिंग हो चुकी है और इसके बाद लगातार वोटिंग चालू है, इससे लगता है कि वोट का जो परसेंटेज है वो 60 से कहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने यहाँ कवायद की थी, डोर टू डोर जाके लोगों की कुंडी खटखटा के उनसे आग्रह किया था कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, मतदान जरूर करें, उस मुहिम का असर कुछ होता दिखाई दे रहा है रामपुर में। रामपुर में मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट देते नजर आ रहे हैं, लोगों की लंबी लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं, 52 से 53% वोटिंग की परसेंटेज हो चुकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ वोट की जो परसेंटेज है वो 60 से कहीं अधिक जाएगी, यानी कि उसको संतोषजनक कहा जा सकता है। और लोगों के अंदर जो खास जोश और उत्साह रामपुर के अंदर इसलिए भी है क्योंकि ये आजम खां की परंपरागत सीट रही है, 9 बार से विधायक रहे आजम खां, 10वीं बार फिर से वो उम्मीदवार है। चलिए फहीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अयाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के तहत 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 4:30 बज चुके हैं, 3 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आया है जिसके मुताबिक तकरीबन 52% के करीब वोटिंग हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो 65% के करीब रहे, क्योंकि आखिर के जो 1.5-2 घंटे हैं उसमें वोटिंग ज़्यादा होती है और वोटिंग प्रतिशत में इजाफा होता है। न्यूज़ ऑन इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है 9 जिले और 55 सीटों के जो वोटर्स हैं, अगर आपने अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, आपने वोट नहीं डाला है, तो घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बनिए, लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत कीजिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी 2:00-3 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आए हैं जिसके मुताबिक तकरीबन 50% 49.24 वोटिंग उत्तराखंड में हुई है। जिलावार अगर देखें तो अल्मोड़ा में 43.17%, बागेश्वर में 46.64%, चमोली में 48.11%, चंपावत में 47.63% वोटिंग हुई है। ये आपको हम आंकड़े 2:00-3 बजे तक का बता रहे हैं। देहरादून राजधानी की बात करें तो राजधानी में 45.56% वोटिंग 2:00-3 बजे तक हुई, हरिद्वार में 54.40% वोट डाले गए। नैनीताल की बात करें तो 52.36% वोटिंग हुई है, पौड़ी गढ़वाल में 2:00-3 बजे तक 43.94% वोट डाले गए, पिथौरागढ़ में 2:00-3 बजे तक 45.50% वोट डाले जा चुके हैं, रुद्रप्रयाग में 50.23% वोटिंग हुई है। ये आंकड़े हम आपको 2:00-3 बजे तक का बता रहे हैं। टिहरी गढ़वाल में 2:00-3 बजे तक 44.23% वोट डाले गए। उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में देखिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, ये 53.30% है। उत्तरकाशी में 56.23% वोट डाले गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में एक ही चरण में सभी 70 सीटों पर वोट आज डाले जा रहे हैं। उत्तराखंड के भी जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है, अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस पर्व पर हिस्सा लीजिए, शिरकत कीजिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, एक अच्छी सरकार चुनिए जो आपके लिए अगले 5 साल तक काम करे। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव मेहरारी ने मतदान के बाद हमारे संवाददाता से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रदेश की जागरूक जनता को, मतदाताओं को का आभार प्रकट करना चाहता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उन्होंने बधाई भी देना चाहता हूं जिस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया और अभी ये मतदान जारी है, अभी भी वो लोग बहुत उत्साहित तरीके से मतदान कर रहे हैं। जहाँ तक आपने संभावनाओं की बात करी तो संभावनाएं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रदेश की जनता है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त थी और इस कुशासन को समाप्त करने के लिए आज उन्होंने परिवर्तन का मन बनाया हुआ है और ये दीवार पे लिखी हुई इबारत जो है
ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही नहीं पढ़ी, ये पूरे प्रदेश ने पढ़ ली है। और मैं समझता हूँ यह सरकार कांग्रेस की स्थापित होगी। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रदेश की जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए हो रे। ये एक बहुत पुराना जो है हमारा फिल्म का सॉन्ग है जो चरितार्थ होने वाला है। 10 मार्च को कांग्रेस की सरकार यहाँ स्थापित होगी। दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपने मतदान की बात की, अपील भी की है, तो क्या आपने आज जाकर के मतदान किया? जी मैंने मतदान किया, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैंने मतदान किया है और जो है ये आप देख सकते हैं, आप विक्ट्री का साइन भी देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं विक्ट्री का साइन भी बना रहा हूँ। देहरादून में मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने हमारी संवाददाता मीनाक्षी से बातचीत की है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हम मौजूद हैं, जहां हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रतिमा जी, इस बार कितने पार? देखिए, अगर हम ये कहें कि इस बार 60 पार या 65 पार तो ये बड़ा गलत होगा। इस बार इतना होगा कि प्रचंड बहुमत की जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी बनाने का कार्य करेगी। एक स्थिर सरकार 5 सालों में आपको देंगे हम, और एक ऐसे मुख्यमंत्री के साथ जो आपके लिए, इस प्रदेश के लिए 5 साल तक स्थिरता से कार्य करेगा। देखिए, जितने भी कांग्रेस नेताओं से मैं बात कर रही हूँ वो पूरी तरीके से आश्वस्त है, उनका कहना है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। इसलिए मैंने सीधे आपसे सवाल किया, इस बार कितने बार? लेकिन आप लोग बीजेपी को चुनौती यहाँ पर क्यों नहीं मानते हैं? 57 सीटों पर आखिरकार उन्होंने 2017 के चुनावों में जीत उतर ली। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने भले ही 2017 में 57 सीटें उन्हें मिली थी, क्योंकि वो 2017 का जो डबल इंजन का जुमला था वो जनता ने खरीदने का कार्य किया था। जनता उस बहकावे में आ गई थी और उसका दंश जो जनता ने 5 साल भुगता है, आज हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर है, एक नंबर पे है। आप महंगाई ले लीजिए, आप किसानों की समस्या ले लीजिए, महिला उत्पीड़न ले लीजिए, पलायन ले लीजिए और भ्रष्टाचार ले लीजिए। जिस भ्रष्टाचार की बात करते करते 2017 में उन्होंने अपनी सत्ता पे काबिज हो गए, आज 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद भी लोकायुक्त तक गठन नहीं हुआ। NH-74 पे कहा था CBI की जांच करेंगे, लेकिन 5 साल प्रचंड बहुमत की सरकार में रहे CBI जांच से पीछे हट गए। तो जनता को भारतीय जनता पार्टी ने कठपुतली समझ के रखकर विश्वासघात किया और उसका जो परिणाम है वो आप देखिए, आज वोटिंग हो रही है और 10 मार्च को प्रचंड बहुमत के साथ जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं आपसे एक बार जरूर कहूंगी कि हमारी जो सीट है वो 60+ ही होगी। अपने सहयोगी विनय सूद के साथ मैं मीनाक्षी रजक, देहरादून न्यूज़ 1।